हेलो फ्रेंड्स, आज बेक करेंगे मैंगो केक। तो देख लीजिए, ये शानदार सा केक है, बड़ा ही सॉफ्ट बना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक मीठा आम, यानी पका हुआ आम, और इसका बना लेंगे हम पेस्ट। इसका पल्प निकाल के पेस्ट बना लेंगे। तो देख लीजिए, मिक्सी में पहले से ही रेडी है। और इसके बाद एक बोल में ले लेंगे एग, और एग वाइट को सेपरेट कर देंगे। उसको पहले हम इसका फोम बनाएंगे, मगर फोम बनाने से पहले हम लोग एक टीन को रेडी कर लेते हैं। ये गोल शेप में मैंने लिया है, आप चाहे तो किसी भी शेप में ले सकते हैं। और इस पर ऑयल ब्रश कर लेंगे, या फिर आप लोग चाहे तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके ऊपर से आप कोई भी ड्राई फ्लावर दे दीजिए, आटा या मैदा। फिर इसको चारों तरफ इस प्रकार से फैला दीजिए। तो हो चुका है रेडी। अब आ जाते हैं फोम पे। अब एग वाइट का हम फोम बना लेंगे। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा ज़रूर, तकरीबन इसमें 5 से 7 मिनट लग सकता है। तो ये हो चुका है ऑलमोस्ट, देख लीजिए बड़ा ही फोमी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा फुला है। अब इसमें हम लोग धीरे धीरे दे देंगे बाकी जो एग येल्लो था उसे डाल देंगे, और इसका भी हम मिक्स कर देंगे, इस फोम के साथ ऐड कर देंगे। तो चलिए रेडी है। अब इसके ऊपर ले लेंगे एक छानली, और उस पर दे देंगे 1 कप मैदा। और फिर इस पे ऐड होगा चीनी, ये चीनी का पाउडर बनाया हुआ है। और फिर बेकिंग सोडा 1 चम्मच, और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। और फिर इसको छान लेंगे और उसी फोम पे इसे डालेंगे। चलो ये बन रहा है, इसे अभी मिक्स कर लेते हैं इस फोम के साथ। और इसमें डाल देंगे ऑयल, यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल है। और ये है वेनिला एसेंस थोड़ा सा, और ये आम का पेस्ट, इसको इसमें मिला देंगे बढ़िया से। और इसे और हैंड ग्राइंडर का यूज़ नहीं करेंगे, चम्मच से ही इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो देखिए हो चुका है, तकरीबन 5 मिनट लगा था इसे बनने में। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और मिक्स करेंगे इसका थिकनेस में चेंज आने के लिए। तो देखिए एकदम एग्जैक्ट हो चुका है इसका थिकनेस, इसका गाढ़ापन इतना ही होना चाहिए। और इसको डाल देंगे ट्रे में। थोड़ा टैप कर लेंगे ताकि अंदर जो हवा है वो निकल के आ जाए बाहर। और इस पे ऐड करेंगे टूटी फूटी, और उसको थोड़ा सा मैदा में पाउडरिंग कर लेंगे। ये आप कर भी सकते हैं, ऑप्शनल है। तो इस प्रकार इसको ऊपर से डाल दीजिए। तो रेडी टू बेक। अब इसे हम बेक करेंगे। बेक करने का प्रोसेस देख लीजिए, एक सॉस पैन के ऊपर नमक है, और नमक के ऊपर स्टैंड बिठाया गया है, और इसके ऊपर हम एक टिन को बिठा देंगे। और इसको पहले ही मैंने 5 मिनट पहले फ्री हीट दिया था,
और फिर इस पतीले को बिठाया गया एक टीन के ऊपर और इसके ऊपर अब ढक देंगे ढक्कन और इंतज़ार करेंगे तकरीबन एक घंटे का। तो ऑलमोस्ट एक घंटा हो चुका है, एक घंटे के बाद देखिए रेडी हो चुका हमारा केक, बहुत ही फुला हुआ दिख रहा है, देखिए एकदम करीब से। अब इसको निकालेंगे, निकालते टाइम साइड से चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि निकल जाए। बहुत ही सॉफ्ट बना है केक, और इसे ठंडा होने के बाद ही कीजिएगा केक, जब गर्म रहे तब इसे मत निकालने की कोशिश कीजिए, थोड़ा देर बाद ही निकालिए ठंडा होने के बाद। तो देखिए निकल चुका है केक, बड़ा ही शानदार बना है और कितना नर्म है, देखिए सॉफ्ट एकदम स्पॉन्ज की तरह। और खाने में तो बड़ा ही स्वादिष्ट हुआ है, बड़ा ही सॉफ्ट और नर्म बना है। देखिए काटते वक्त ही आपको पता चल रहा होगा, बड़ा ही लजीज है ये केक। आप लोग भी चाहे तो घर में ट्राई कीजिए, आम का सीजन चल रहा है, गर्मियों के मौसम में आम से बना हुआ चीज़ खाने में ज़्यादा टेस्ट लगता है ज़्यादातर लोगों को, तो आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए, और बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिए ताकि नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे जब भी इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड हो। तो इसी के साथ गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।